लेके आए हो? जी मैम। चलो ठीक है। कैसे तुम तो कुछ बोल रहे हो? नहीं तुम कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो, ना तुमने गुड मॉर्निंग किया मैम को और ना ही तुम कुछ बोल रही हो। मैडम हमारे साथ ये खेलने नहीं आती है और बस्ती बोलती नहीं है, पहले इतना खुश रहते थे, अब पता नहीं क्या हो गया इनको। चॉकलेट देते हैं और मुझे वो छूते हैं जगह जगह, तो मुझे उनका छूना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा जब छूते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं है, आप पूछ रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको उनका छूना अच्छा नहीं लगता है? आपको पहले कभी आपके घर में बताया बेटा की गुड टच बैड टच के बारे में आपको बता दें? कोई बात नहीं। देखिए हम आज आपको, जैसे कि कोई भी बच्चा है आप लोग हो, जब आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई आपको इस तरह से छूता है कि आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। देखिए जैसे आप जैसे बच्चे हैं, जब भी कोई पर्सन, कोई भी हो सकता है, वो आपके घर का हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या बाहर का कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको गुड टच और बैड टच को पहचानना है। अगर कोई आपको प्यार से ऐसे सर पे टच करता है तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा होगा। तो ये कैसा है? गुड टच, वेरी गुड। और कोई आपको ऐसे करे, इस तरह से आपको शाबाशी दे रहा है तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो और लेकिन आप देखो, कोई अगर आपको आपके छाती पर छूता है, यहाँ आपके छाती पर छूता है, और तो वो चाहे कोई भी हो, चाहे आपका जानकार हो, पड़ोसी हो, या आपके टीचर हो, कोई भी हो, अगर वो टच आपको पसंद नहीं है, अगर आपको वो टच पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए बैड टच है। ठीक है, वो आपके लिए कैसा टच है? बैड टच है। और आपके प्राइवेट पार्ट्स को कोई छूता है, हिप्स को छूता है, तो वो कैसा टच है? बैड टच है। इन टच पर आपको किसी को भी अलाउ नहीं करना है। आपको हमेशा क्या बोलना है, कोई आपको टच करे तो नो डोंट टच, इट्स अ बैड टच। आपको क्या बोलना है? नो डोंट टच। ओके, और अगर आपके साथ कभी भी इस तरीके का बैड टच होता है तो आप वहां से तुरंत उसको नो बोलेंगे और दौड़ के अपने जो आपका टीचर है जिसपे आप बहुत विश्वास करते हैं, या मम्मी पापा, उसके पास जाएंगे और सारी चीजें आप उसको बताएंगे। आपको किसी से डरना नहीं है, छुपाना नहीं है, अपनी चुप्पी तोड़नी है, अपनी चुप्पी तोड़नी है, चुप नहीं रहना है। हर चीज आपको पेरेंट्स को बतानी है, अपनी फेवरेट टीचर्स को बतानी है, जिनपे आप जो आपको गुड टच करते हैं और जिनपे आप विश्वास करते हैं। तो अपनी चुप्पी तोड़ो, डरना नहीं है, चुप्पी और नो बोलना सीखो। नो एंड रन अवे, नो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो एंड रन अवे, एंड जो भी है ना, जो बताया बिल्कुल बताना है आपके, जो भी आपको जाना है तुरंत भाग के।